Hey guys, welcome to my channel, The Beast Couple. तो कनेकोर में आ चुके हैं मालदीव्स. मालदीव फेमस है अपने पब्लिक आइलैंड, प्राइवेट आइलैंड एंड अपने वर्ल्ड फेमस वाटर विलास के लिए. मालदीव वही जगह है जहां पे बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज अपने हनीमून, अपने बर्थडेज और अपने सारे प्राइवेट हॉलीडेज प्लान करते हैं. तो अगर आप भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह मालदीव इंडिया से पहुँच सकते हैं. इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मालदीव का कैसा इमिग्रेशन प्रोसेस है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. तो बात करें अगर मालदीव्स की, जो 1192 छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो सी लेवल से सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है. तो मालदीव बेसिकली फेमस है अपने प्राइवेट आइलैंड्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, और इन्हीं प्राइवेट आइलैंड में 80% लोग आना पसंद भी करते हैं. और दूसरे होते हैं यहाँ के पब्लिक आइलैंड जो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी होते हैं. यहाँ पर आप मालदीव्स के लोकल लोगों के बीच में रहकर कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं. और मालदीव पहुँचने के लिए आपको मुंबई, दिल्ली या कोची से डायरेक्ट मालदीव्स की कैपिटल यानी कि माले सिटी की फ्लाइट मिल जाएगी. ये फ्लाइट आपको अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये की पड़ेगी, जिसमें आपकी रिटर्न फ्लाइट भी इंक्लूडेड होगी, जिसकी बुकिंग आप मेक माई ट्रिप, वो आई बी बो या किसी भी बुकिंग ऐप के थ्रू कर सकते हो. आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया से मालदीव जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का है. और इंडियंस को मालदीव गवर्नमेंट 90 डेज का फ्री टूरिस्ट वीजा प्रोवाइड करती है. अब मालदीव एयरपोर्ट पे पहुंचते ही एक पासपोर्ट ऑफिसर आपके पासपोर्ट पे सील और स्टैम्प लगा देंगे, और इसी प्रोसेस को वीज़ा ऑन अराइवल भी कहते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है. और इसी के साथ में ही आपको एक मालदीव का ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. फॉर्म फिल करते ही आपको एक QR कोड आएगा जो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना होगा. माले एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपके पर्टिकुलर रिजॉर्ट के रिप्रेजेंटेटिव बाहर खड़े होते हैं. आपके रिजॉर्ट की स्पीड बोट माले एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ी होगी, और वो आपको कोई भी एडिशनल चार्ज के बगैर आपको आपके रिजॉर्ट तक ले जाएगी. इसके अलावा अगर आपको आपका रिजॉर्ट सीप्लेन की फैसिलिटी देता है तो आप एयरपोर्ट पे बने इन सीप्लेन फैसिलिटीज पे जा सकते हो. और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मालदीव आ रहे हैं तो मालदीव के इन सी प्लेन्स का लुफ्त ज़रूर उठाएं. तो ये था मालदीव में एंट्री करने का कंप्लीट प्रोसेस. अब आगे का सफ़र अगले व्लॉग में. तब तक के लिए इन्जॉय द व्यू. जय हिंद, जय भारत.